गुड इवनिंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? सेल देखा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा कि जो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, उसके बाद में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूड मोजेक मॉडल दिया। फ्लूड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है। अब कल अपन ने लिपिड बाई लेयर में क्या क्या देखा? लिपिड का मूवमेंट देखा था, है ना। कल अपन ने लिपिड के कितने तरह के मूवमेंट देखे? सबसे पहला रोटेशनली मूवमेंट देखा, उसके बाद में लेटरल मूवमेंट देखा, उसके बाद में अपन ने कौन सा मूवमेंट देखा था? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखा था। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर लेना, अपन ये जो लिपिड का मूवमेंट है इसको ट्रैक करने के लिए अपने पास में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं अपन फ्रैप, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच। ये एक टेक्निक है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, लिपिड के डिफ्यूजन को या लिपिड के मूवमेंट को देख सकते हैं ना, कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रहा है या लेटरल मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, उसको फ्रैप टेक्निक से अपन ट्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो अपना सेकंड लेक्चर है, इसमें हम जानेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं, और लिपिड की स्ट्रक्चर में अगर चेंजमेंट हो जाए तो मेम्ब्रेन के कंपोजिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेम्ब्रेन के फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो आज का अपना जो मेन लेक्चर है ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाए जा रहे हैं उनकी अपन क्या देखेंगे, आज स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज का अपना लेक्चर किसके ऊपर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड के ऊपर बेस्ड होगा। अच्छा, सबसे पहले अपन अगर लिपिड के बारे में देखें तो लिपिड होता क्या है? लिपिड किस किस से मिलकर बना होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये तो अपना लिपिड होता है ना। अब एक लिपिड और होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं, जिसका पेरेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? स्फिंगोसिन होता है। इनको अपन कॉमनली क्या बोलेंगे? स्फिंगो लिपिड। और ये जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलके लिपिड बना होगा उसको अपन बोलेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। मतलब इसका मतलब है कि जो लिपिड है उसकी बैकबोन किससे बनी हुई है? ग्लिसरॉल से बनी हुई है या स्फिंगोसिन से बनी हुई है? अगर ग्लिसरॉल से बनी हुई है तो उसको ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड बोलेंगे या फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल देते हैं। अगर पेरेंट मॉलिक्यूल उसका स्फिंगोसिन है तो उसको क्या बोल देंगे? स्फिंगो लिपिड बोल देंगे, है ना। अब एक एक करके अपन लिपिड की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अपन मैं आपको फैटी एसिड के बारे में बता दूं, है ना, फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड हैं ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, उसके साथ में क्या अटैच होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, उसी को अपन क्या बोल देंगे? फैटी एसिड बोल देते हैं। अब कुछ फैटी एसिड के मैं आपको नाम बता देता हूँ। लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड एंड अरेकिडिक एसिड। ये कुछ मैंने आपको लिपिड बताए, ये जितने भी मैंने लिपिड बताए ये सब कैसे हैं? लिपिड नहीं, सॉरी, क्या है, ये फैटी एसिड हैं। ये सभी कैसे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ये सब के सब कैसे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब इनमें कोई डबल बॉन्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड इनमें अपने को कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे आप, इसमें थोड़ा सा लिख लेना, इसमें जो कार्बन का नंबर है कितना होता है? लॉरिक एसिड में कार्बन का नंबर होता है 12, मेरिस्टिक एसिड में होता है 14, एंड पामिटिक एसिड में कितना होगा? 16, और आपका स्टियरिक एसिड है इसमें कितना होगा? 18, एंड अरेकिडिक एसिड में होता है 20। ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन, ये मैंने आपको बताई दिया कि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। सब के सब कैसे हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। कार्बन का नंबर लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो
नेक्स्ट उसमें देखेंगे अनसैचुरेटेड। अच्छा ये तो कौन से हो गए, सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। अब इधर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और देख लेते हैं ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है, इनमें डबल बॉन्ड मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं पामिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड। ये जो मैंने नाम लिखे ना, पामिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड, ये सभी के सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। पहले तो मैं इनमें कार्बन का नंबर लिख दूँ, कार्बन नंबर कितना होगा, इसमें 16, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 18 एंड इसमें 20। अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो डबल बॉन्ड का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें आपका एक पाया जाएगा, इसमें एक मिलता है, इसमें दो, इसमें तीन और इसमें चार डबल बॉन्ड मिलेंगे। ये हो गया इनका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या इनका अनसैचुरेशन का नंबर हो गया। अच्छा अब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का रिलेशन क्या है मैं बताऊँ आपको, है ना। तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर कैसे मिलेंगे, ये आपके रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये कैसे मिलेंगे, ये लिक्विड कंडीशन मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो आपके अनसैचुरेटेड तो कैसे हो गए, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। अच्छा जो आपके सैचुरेटेड हैं ये रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलेंगे, सभी के सभी सेमी सॉलिड या सॉलिड। अच्छा इनको आप देख के कैसे पहचानोगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो रूम टेम्परेचर पे आपको कोई भी अगर सॉलिड फॉर्म में मिलता है इसका मतलब वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर आपको रूम टेम्परेचर पे कोई सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो, और लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो कैसा हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जितने भी प्लांट हैं उनमें से किसी भी प्लांट से अपने को सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं मिलता, मतलब जितने भी प्लांट हैं उनसे अपने को जो फैटी एसिड मिलेंगे वो सब कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। ये बात आप स्टार लगा के लिख सकते हो, है ना। प्लांट फॉर्म्स ओनली कैसी फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो प्लांट जो है उनके पास केवल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, और जो एनिमल हैं उनके पास सैचुरेटेड भी मिल सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में आ सकता है कि एक आपने देखा होगा है ना, वनस्पति घी जो डालडा वगैरह आती है ना, ये क्या है, वनस्पति घी है, नाम तो क्या है उसका, वनस्पति घी, लेकिन आपने देखा होगा कि ये सॉलिड फॉर्म में होती है, और जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहता है उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो प्लांट है उनसे अपने को कौन से मिलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे आप कि जो वनस्पति घी है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, सॉलिड, इसका मतलब कैसा है, ये सैचुरेटेड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो वनस्पति घी होता है जब अपन प्लांट से उसको ऑब्टेन करते हैं तो एक्चुअल में वो लिक्विड ही होता है और अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन अपन उसको लैब में क्या करते हैं, लैब में और फैक्ट्रीज में क्या कर दिया जाता है उसके साथ, हाइड्रोजनाइजेशन उसकी रिएक्शन हो जाएगी उसके साथ में, और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में होता है ये निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में इसका क्या करा देते हैं, हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं, जिससे जो अनसैचुरेटेड ऑयल है वो किस में चेंज हो जाता है, सैचुरेटेड वनस्पति घी में चेंज हो जाएगा।
अच्छा, अब अपन क्या देखेंगे कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो ये अपन देखने वाले हैं अभी। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि लिपिड के कंपोजिशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट देखने जा रहे हैं ना, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। कुल मिलाकर स्टेबिलिटी के साथ में क्या बढ़ेगा, कार्बन का नंबर अगर इंक्रीज होता है या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, स्टेबल होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जा रहा है वो कार्बन का नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। रिजिड होने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन की जो सॉल्युबिलिटी है या फ्लूडिटी, ये क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, मॉलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और साथ में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने से जो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला लिपिड है वो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी या फ्लूडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन हो रहा था, मतलब कोई मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा था, उसके डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, उसकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है, उसकी फ्लूडिटी डिक्रीज हो चुकी है। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि पामिटिक एसिड जो है ये ओलिक एसिड में चेंज हो गया, ओलिक एसिड नहीं, यहाँ पे मैं स्टीयरिक एसिड लिख देता हूँ, है ना, स्टीयरिक एसिड में चेंज हो गया। अब आपसे बोलेगा कि कोई एक्स मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है, इसकी डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपको डायरेक्टली नहीं देगा ऐसे, है ना। अब ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि किसमें कार्बन का नंबर कम है और किसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो पामिटिक एसिड है इसमें कार्बन का नंबर कितना होता है, 16, और स्टीयरिक एसिड में कार्बन का नंबर कितना होता है, 18। तो अपन देखेंगे कि कार्बन का नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब भी कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो एक्स मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा था, इसकी डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कब अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि कौन से लिपिड, कौन से फैटी एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं। और ये बात भी है कि जो मैंने फैटी एसिड अभी आपको लिखा है ना, लॉरिक, मेरिस्टिक, पामिटिक, स्टीयरिक एंड अरेकिडिक, इनके अलावा आपको और कोई याद ही नहीं करना, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। अच्छा, लॉरिक एसिड में कितने कार्बन थे, 12 कार्बन, मेरिस्टिक में 14 कार्बन, उसके बाद पामिटिक में 16, स्टीयरिक में 18 और अरेकिडिक में 20। और ये सब कैसे थे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सब के सब कैसे थे, सैचुरेटेड। तो अब कल को आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि स्टीयरिक एसिड जो है अरेकिडिक एसिड में चेंज हो रहा है, स्टीयरिक एसिड किस में चेंज हो गया, अरेकिडिक एसिड में चेंज हो गया, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो अरेकिडिक एसिड है इसमें कितने कार्बन, 20 कार्बन। तो इस केस में भी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी बढ़ेगी या घटेगी, इस केस में भी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी घटेगी, और जब मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी घटेगी तो डिफ्यूजन रेट घटेगी। तो कल को जब अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन वापस से आएगा। अच्छा, ये तो था किसका, नंबर ऑफ कार्बन का इफेक्ट। अब देखेंगे कि अनसेचुरेशन का क्या इफेक्ट होता है, अब अपन देखेंगे अनसेचुरेशन का
क्या इफेक्ट होगा, मतलब जब डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो अभी वो अपन देखने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखेंगे अपन मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी के ऊपर किसका इफेक्ट, अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड का इफेक्ट, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी के ऊपर अपन ने भी कार्बन नंबर का इफेक्ट देख लिया, अब देख रहे हैं अनसैचुरेशन का इफेक्ट। तो जैसे कि आपको पता होगा जो भी मॉलिक्यूल अनसैचुरेट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं, अनसैचुरेट मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर कैसे देखे थे अपन ने अभी, लिक्विड फॉर्म में, और सैचुरेट मॉलिक्यूल कैसे देखे थे, सैचुरेट अपन ने देखे थे सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, इसका मतलब जो सैचुरेटेड है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या है, हाई है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। तो जैसे जैसे अपन अनसैचुरेशन की ओर जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज। जैसे जैसे अपन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिपिड होते हैं वो अपने आप को अच्छे से कॉम्पैक्ट या पैक नहीं कर पाते, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कल को आप डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करोगे, डबल बॉन्ड का नंबर या अनसैचुरेशन आप बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब कल को आपको वो दे देगा कि जो ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड नहीं, जैसे सपोज करो स्टीयरिक एसिड था, है ना, स्टीयरिक एसिड है और स्टीयरिक एसिड चेंज हो गया आपका ओलिक एसिड में, स्टीयरिक एसिड किस में चेंज हो रहा है, ओलिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन का क्या हुआ है रिलेशन, तो अपन ने देखा नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 18, इसमें भी कितने हैं, 18, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन का तो कोई अंतर नहीं है। फिर अपन देखेंगे कि डबल बॉन्ड में क्या फ़र्क है दोनों में, तो अपन ने देखा था कि ये तो सैचुरेट था, इसमें नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड था ही नहीं इसमें। फिर अपन चले ओलिक एसिड की ओर, जब ओलिक एसिड की ओर गए तो इसमें अपन ने देखा, अभी देखा था ना 18 और 1, ओलिक एसिड मतलब कितने कार्बन, 18 कार्बन, लेकिन डबल बॉन्ड का नंबर कितना था इसमें, 1 था, है ना, डबल बॉन्ड का नंबर। इसका मतलब अपन ने अनसैचुरेशन बढ़ाया है, तो जब इधर से इधर गए तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब मेम्ब्रेन की जो फ्लूडिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। जब भी अपन अनसैचुरेशन की ओर जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी ज़्यादा या कम, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी, अच्छा समझ में आया। तो जब भी अपन सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की ओर जाएंगे, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तब तब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कल को आपको कुछ भी दे सकता है, पामिटिक एसिड को किस में चेंज कर सकता है वो, कल को पामिटिक एसिड को किस में चेंज कर दे वो, पामी टोलिक एसिड में चेंज कर दे, तब भी आप बता पाओगे, इसमें 16 कार्बन और नो डबल बॉन्ड, इसमें 16 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। इसका मतलब अपन सैचुरेशन से किधर गए, अनसैचुरेशन की ओर, जब अनसैचुरेशन की ओर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी बढ़ेगी। तो कल को आप दे देगा कि एक एक्स मॉलिक्यूल है उसका डिफ्यूजन हो रहा है, और अभी जो मेम्ब्रेन में पामिटिक एसिड है वो पामिटोलिक एसिड में चेंज हो गया, तो एक्स मॉलिक्यूल के डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट होगा, तो क्या होगा,
आपको बताया कि जब पामिटोलिक में चेंज होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूटी बढ़ जाएगी, तो एक्स मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा, ये तो हो गया सैचुरेशन अनसैचुरेशन। इसके साथ में एक होता है किंक फॉर्मेशन और होता है ना, मतलब जब डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जैसे अपन स्ट्रक्चर देखा ना फैटी एसिड की, फैटी एसिड में क्या होता है लॉन्ग कार्बन की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर